हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो के अंदर। मैं सो के उठ चुका हूँ। चलो अभी चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। वेट, ये कौन है? ओबे, ये कोई मेरे को जोकर मैन लग रहा है। वेट गाइस, ये है कौन? रुको मैं हाँ, ये जोकर है सच में। लेकिन ये गिफ्ट दे रहा है। ये क्या, चूज वन गिफ्ट गाइस फ्री में क्या? मेरे को एक चूज करना है, तो मैं चूज करूँगा इसमें से। ये कौन सा करूँ यार? रेड वाला कर लिया है मैंने। कौन सा क्या होगा देखते हैं। रेड बॉक्स के अंदर गाइस क्या मिलेगा? जोकर तो गाइस बड़ा खुश लग रहा है। क्या हो गया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ओ वेट, ये TNT लग रहा है मेरे को। शिट नो, ओ मेरे साथ पोपट हो गया गाइस। ये क्या कर दिया इस जोकर ने? ओ माय गॉड, अबे ये जोकर बहुत खतरनाक इंसान है। ये मेरे को मारना चाहता है। सो गाइस ये कह रहा है कि ब्लू वाला बॉक्स भी तुम रख लो। अबे ये दे नहीं रहा है। अबे वो जोकर देना ब्लू बॉक्स। अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा ना, तूने मेरे को मारने की कोशिश करी है। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तू कहीं भी चला जा गाइस, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओबे यार ब्लू बॉक्स तो मैं लेके ही रहूँगा। आखिर मुझे देखना है कि इस ब्लू बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जो ये लेके भाग रहा है। नीचे कहाँ चला गया? ओबे इतना बड़ा हाउस जिसके अंदर ये गया है ना गाइस, ये सच में माइनक्राफ्ट का बहुत बड़ा हाउस है। एंड ये एक भूल भुलैया की तरह है। तो चलो फिर इसके अंदर चलते हैं एंड देखते हैं आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या है। मेरे लिए एंट्री नहीं है क्या? ये लोग अंदर नहीं जाते हैं गाइस, ये लोग कह रहे हैं कि तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। सो गाइस आपको क्या लगता है, मेरे को इसके अंदर जाना चाहिए? ये देखो इतना बड़ा है एंड इसके अंदर लोग खेती भी करते हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊं। एंड देखो वो भाग रहा है वहाँ से। जो कर रुक जा प्लीज़ रुक जा, मेरे को वो बॉक्स देखना है और तेरी धुलाई भी। हाँ ये कहाँ चला गया? मेरे को पता है चालाकी जरूर करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा चालाक सर्कस से आया हुआ जोकर है। ये कहाँ गया यार, कहाँ चला गया? वेट ये क्या है, कुछ तो अजीब लग रहा है मेरे को यहाँ पे। चलो चल के देखते हैं। मैं समझ चुका हूँ, ये एक बेसमेंट है। हाँ गाइस ये देखो, ये एक बेसमेंट है, मैं पहले ही समझ गया था। वेट गाइस ये देखो, ओ वाओ गाइस इतने सारे ब्लॉक ऑफ वेट। हाँ अरे नहीं, फिर से नहीं, जोकर ऐसा मत कर। ओ शिट गाइस ये क्या हो गया? गाइस मैं आ चुका हूँ जंगल के अंदर एंड यहाँ वेट, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? ओबे ये कोबल स्टोन अपने आप कैसे चल सकता है? गाइस ये क्या हो रहा है? ओ शिट, ओबे ये स्टोन अपने आप चल रहा है कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टोन अपने आप कैसे चल सकता है। ओबे यार ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गाइस आप भी पहली बार देख रहे हो ना, मुझे कमेंट्स करके बताओ। और गाइस आपका सबसे ज्यादा फेवरेट गेम कौन सा है वो मुझे आप लोग जल्दी जाके कमेंट्स में जाके बता दो। एंड ये क्या गाइस, ये विलेजर एक मैजिशियन विलेजर लग रहा है। इसने कोवल स्टोन अपने जादू से मंगा लिए और इस घर को बना दिया। और मेरे को लगता है इस रिचेस्ट विलेजर ने इस घर को बनवाया है। मतलब यार इतना बड़ा घर। गाइस ये देखो, ये तो अमीर हो गया यार। थोड़ा डायमंड दे दे यार, प्लीज यार दे दे। ओबे यार कंजूस है ये तो। गाइस यार मैं क्या करूं, डायमंड देख के मेरे अंदर लालसा बढ़ चुकी है। एंड सच में गाइस ये घर माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा बड़ा घर है, ये देखो। ओबे यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, सच में बहुत बड़ा घर है गाइस, बहुत ही ज्यादा बड़ा घर है। चलो बुलाते हैं उस रिचेस्ट विलेजर को, अभी आ नहीं रहा है। ये क्या है, डायमंड्स? और यहाँ पे एक इनविजिबल वॉल है सच में। हाँ डायमंड अंदर पड़ा है। वाओ गाइस जी देखो, इसको तो कोई पहचान भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल भी हो सकती है, लेकिन मैंने पहचान लिया क्योंकि चालाक जो हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। ओके चलो। ये क्या है, ये भी एक इनविजिबल वॉल है। मैं समझ चुका हूँ एंड मैं आगे जाके एकदम सेम वैसी हाउस के अंदर आ चुका हूँ जैसे हाउस के अंदर मैं गया था। एंड हाँ वेट,
ओके ये रहे दो दो रिचेस्ट विलेजर जो कि एक दूसरे को डायमंड गोल्ड दे रहे हैं। ओबे ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं मेरे को देख के, क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो गाइस? ये लोग हंस क्यों रहे हैं, क्या होने वाला है मेरे साथ? अरे नहीं मेरे को छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी चोरी नहीं करा है मैंने। अरे नहीं ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। नो मुझे छोड़ दो। गाइस मेरी हालत टाइट हो चुकी है, उन रिचेस्ट विलेजर ने मेरे को बहुत मारा। अबे ये विच, अबे नहीं ये गलत बात है, विलेजर्स की फसल बेकार कर रही है तू, वो बेचारे क्या खाएंगे, ऐसा मत कर, मार इस विच को, मार मार विलेजर, मार और मार और मार। अरे नहीं गाइस ये क्या, ओबे इसने इसको डॉग बना दिया, ओबे ये बार्क भी कर रहा है। गाइस ये विलेजर डॉग तो भौंक भी रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ओए तूने ऐसा क्यों करा, ये बहुत गलत कर रही है विच तू, तूने इस बेचारे विलेजर के साथ बहुत ही बुरा करा है, मैं उसको जाके बचाऊंगा और उसको ठीक करूंगा और बाद में आके तेरे से देखूंगा, तेरे को मैं बाद में देखूंगा आके। अबे यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। गाइस आप लोग मुझे कोई सॉल्यूशन दो कि मैं इसको ठीक कैसे करूं। वेट ये कौन है? ओबे ये कोई तो है जिसने कि इसको ट्रैप कर लिया है, ये बहुत बुरी बात है। ओबे ये तो कोई एलियन लग रहा है। गाइस हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पर मुझे केव मिल चुकी है। वेट ओबे गाइस, ओ इसके अंदर से क्रीपर निकला जो कि बाहर आके ब्लास्ट हो गया, ये बहुत अजीब। ओ गाइस ये देखो ये क्या है, ओ माय गॉड इतने सारे डायमंड्स, वाओ मेरे को बहुत खुशी हो रही है इतने सारे डायमंड्स देख के। गाइस मैं तो बहुत अमीर होने वाला हूँ, अब तो मैं सारे डायमंड्स माइन कर लूंगा, ये मजा आ गया, एक भी डायमंड नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे माइन करूंगा आज। ओह मैं तो थक गया हूँ डायमंड माइन करते करते। गाइस देखो तो जरा, गाइस ये देखो कितने सारे डायमंड माइन कर लिए। अगर गाइस आपको पता लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारे डायमंड टोटल कितने हैं। वेट ओ ये कौन है? अरे ओ चोर विलेजर, ओ चोर चोर नहीं, ओए चोर रुक जा, मेरे डायमंड लूट के कहाँ भाग रहा है? ओए चोर के बच्चे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ओए थीफ रुक जा। ओ शिट गाइस मेरे सारे डायमंड लेके भाग गया, नहीं रुक जा यार, चोर कहाँ जा रहा है मेरे डायमंड लेके, वो मेरे वेट अबे अबे अरे नहीं, अरे इसने सारे विलेजर को मेरे डायमंड बांट दिए। एंड ये क्या कर रहे हैं, अरे एक भी डायमंड नहीं रह गया। गाइस ये तो मेरे सारे डायमंड्स का अपना हाउस बना रहे हैं, देखो। ओबे मेहनत करूं मैं, फल मिले इन सबको, ये तो अन्याय है। ओ गाइस ये देखो सारे हाउस डायमंड के हो गए एंड मेरा ये हाउस टर्ट का रह गया, मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी के डायमंड छोड़ूंगा ही नहीं, सबके घर के डायमंड। वेट कौन बुला रहा है? ओए अरे नहीं ओए चोर है ये, आयरन गोलम, ओ शिट अरे माय गॉड, ओ अरे क्या होगा, ओ माय गॉड आयरन गोलम मेरे को अब छोड़ेगा नहीं। ओ शिट गाइस मेरा जाने का वक्त आ गया है, भागो यहाँ से, फटाफट भागो यहाँ से वरना ये मेरी जान ले लेगा। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड नो, अब तो मुझे डायमंड माइन करने पड़ेंगे। ओ आयरन चलो ये भी ले लेता हूँ, आयरन भी बहुत काम का होता है गाइज अगर आपको पता है। गाइज अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आपको पता होगा आयरन कितने काम का होता है, एंड गोल्ड तो उससे भी ज़्यादा काम का होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। लेकिन नीचे एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर क्या होगा गाइज क्या आपको पता है? वेट ये एक डायमंड TNT, वेट मैं समझ चुका हूँ,
गाइस ये एक डायमंड टीएनटी है। वाओ यार फ्लिंट एंड स्टील मिल चुका है। सो गाइस अब मजा आने वाला है ना, असली मजा। गाइस अब असली मजा आएगा, चलो इसको ब्लास्ट करते हैं एंड लेट्स सी अब क्या होता है। वाओ यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी में सारा कुछ डायमंड का बन चुका है। वाओ यार विलेजर्स को कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। अबे 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 ओए पागल विलेजर पागल हो गया है क्या? नहीं ओके कितनी वुड कलेक्ट करूं। अबे यार मैं थक चुका हूँ गाइस। मेरे को वेट डायमंड, ओ डायमंड। गाइस डायमंड का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है भाई, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है डायमंड का नाम सुनते ही। लेकिन गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी मैं लेने जाने वाला हूँ पिकैक्स। चलो चलते हैं, तभी तो मैं इस डायमंड को तोड़ पाऊंगा, वरना मैं इस डायमंड को नहीं तोड़ पाऊंगा। चलो मैं अपने आयरन के पिकैक्स उठा लेता हूँ एंड चलता हूँ फटाफट से। अरे ये डायमंड कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पे थे, इतनी जल्दी डायमंड कहाँ गायब हो गए? अबे गाइस ये धोखा हुआ है मेरे साथ, मतलब डायमंड कहाँ जा सकते हैं? ओ हाँ वे डायमंड 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 डायमंड। ओ तो इसका मतलब इन लोगों ने चोरी करे है, मतलब वहाँ पे डायमंड ये लोग उठा के लेके आ गए। ये लोग तो बहुत ही फास्ट हैं यार। गाइस अबे यार काश मैं इन डायमंड्स को ले पाता।